हपुआ बहू कैसी भाई? बेटा चेयर दो, डॉक्टर साहब की तरह बैठ के आराम से बातचीत हो। बैठाओ बैठाओ डॉक्टर को। पधारिए। चेयर लेने। पेटी से उठेगी जैसे कि चेयर। बैठ जा चुपचाप। बैठो बैठो बैठो। डॉक्टर साहब एक मिनट। चाची बहू, हमारी बहू को। अम्मा जी, आपका राम नाम सत्य हो। मांस पीटे तेरे होगो पहले। देखिए, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इंसान को कभी कभी हार्ट अटैक भी आ सकता है और इंसान टै भी बोल सकता है। अगर आप इसी तरह से गुस्सा करती रहीं तो जल्द ही आपका भी टिकट कट जाएगा। नवास पीछे टिकट कटेगा तेरी अम्मा का। अरे वो तो कब की कट चुकी है और उनकी टिकट कटने का कारण भी बहुत ज्यादा गुस्सा ही था। एक दिन किसी बात पर वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उनका टिकट कट गया। मैं देख रहा हूँ कि आप भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हैं। डॉक्टर, तुम अम्मा की टिकट कटवाने पे क्यों तुले हुए हो? आपकी कटवा देते हैं। जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दो। उतना ही कह रहा था, बहस अम्मा जी ने शुरू की। दुख की बात यह है कि भाभी जी को कोई बीमारी नहीं है। बहुत बढ़िया, ये अच्छी खबर है। बहुत ज्यादा थकान उनके शरीर के कोने कोने में घुस गई है, इसलिए उन्हें चक्कर आ गया था। देखा, इसलिए मैं कोई घर के काम नहीं करती, फिर थकान घुस जाती है अंदर। अरे तू तो चुप। अरे तुम। अरे डॉक्टर साहब, कहा है कि बच्चन वाले घर में काम धाम तो चलते रहते है, तुम फटाफट बढ़िया सी दवाई बता दो भाई, हमारी बहू ठीक हो जाए, हमें कल शादी में जाना है। भाभी जी को दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। मतलब उन्हें सख्त आराम की जरूरत है। आराम चाहिए ना, आराम 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 ये बोलना। इस वक्त उनका ज्यादा घूमना फिरना या किसी भी तरह का थकाने वाला काम करना सख्त मना है। कम से कम एक हफ्ते तक बिस्तर पर आराम करें। बाकी दवाइयां लिखकर मैंने दे दी है। ठीक है। अच्छा अम्मा जी, चलता हूँ। आपका राम नाम सत्य हो। अम्मा जी गुस्सा कम करो। सुनो, हम का कह रही फल में ला के अम्मा जो तय हो गऊ कि रज्जू अब शादी में ना जा पाएगी, बको आराम चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? रज्जू का कोई भी शादी में ना जाएगा ना। ये जी बात एग्जैक्टली। ग्रैंड मदर, यू नो व्हाट, यू इज राइट, मीनिंग मदर इज नॉट फीलिंग वेल, सो वी स्टेइंग हियर एंड हेल्पिंग हर। ओके ना ना ना, तुम कैसी बात है? गलत बात अम्मा, तुम समझ नहीं, इतनी मुश्किल से मायके में पहली बार, मतलब बहुत टाइम के बाद शादी जैसे माहौल खुशहाल, उम्मा में अगर हमारी अम्मा ना जाएगी उन्हें बुरू लग जाएगा, वो तुम ना जाओगी तो हमें बुरू लग जाएगा, हमें लग जाएगा। नहीं वो तो सही है, पर बहू की ऐसी हालत में हम जा सकते हैं ना? अरे हम मर गए का? अरे हमारी आंखन में देखो, हम सेवा करेंगे, मन से सेवा करेंगे, बाकी तुम मौज करो शादी में जाके, तब ये मौज होगी, हम मतलब आराम कर पाएगी तब। पर पापा मम्मी के बगैर मजा नहीं आएगा। तुम बहुत उंगलियां कर रही, जाना शादी में चुपचाप। अरे जीजू, रज्जू होती तो हम दूसरों की साड़ियाँ और गहने देखकर बुराइयां करते ना, अब अम्मा के साथ रह के दूसरे बहुओं की बुराई करना अच्छा नहीं लगता ना। क्या बात, मतलब एक बहुत बढ़िया बात। क्या बात? मैं ये बोल रहा हूँ कि चुमूलाल बात सही है, शादी ब्याह के न्योते ऐसे सब आते रहेंगे निमंत्रण और भी भविष्य में, लेकिन क्या ना कि ऐसे राजेश को अकेले छोड़ के जाना हम सब लोग के लिए अच्छा नहीं है। राजेश को अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल ना लगेगा। तुमने कब सोची बाकी हिसाब से? सारे अपने हिसाब से सोचती हो। अरे जब बाकू पता चलेगा कि जी लोना लपाड़ी तुम लोग सब सारे अपनो मजा खराब कर दो बाकी चक्कर में, बाकू दुख लगेगू का सामने वाले को बुरू लगतु मेरा, कि हम तो यही जा रो बीमार, ये सामने वालों बिल्कुल अपनी मौज मस्ती छोड़ के हमारे लाने नहीं को, तो बाकू दुख लगेगू। तुम चिंता ना करो, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। अम्मा जब तुम लौट के आओगी ना, रज्जू की पूरी भड़ास निकाल हम आओ, मतलब बाकू बिल्कुल फिट कर देंगे। तुम जब आओगी तो आंगन में ऐसी झाड़ू लगा तो मिलेगी तुम्हें, और बाकी माथी को तुम तेज देखियो, ऐसे चमक रहा हो थोबड़ो, नहीं तो नाम बदल दीजिए, हमारा नाम अपू सिंह नहीं, भरोसा है ना तुम्हें हम पे। तुम जाओ बिल्कुल तैयारी लगाओ। हम जी कह रहे कि
वैसे तो तू सही कह रहे हो, लेकिन हमारा मन ना मान रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही। अच्छा डॉक्टर भी सही कह रहे हो, तू गुस्सा कम करो। गुस्सा तो ना करे, बनाओ फिर यही बात पे अदरक वाली बढ़िया चाय हो जाए। पीते जे कोई टेम है चाय पीने को? रज्जू ने आवाज दही लग रहा हूँ। रज्जू लाते जल्दी से। हाँ। लिया तुमने बुलाओ। जा बच्चे अभी तक क्या कर रहे हो? How am I looking? Hi, Kamlesh. Kamlesh, why are you so much ready? Yes, this is my dress. No, suit silver. Actually, my suit boot. Me jumping on the floor for in the Sangeet man. No any problem coming. All comfortable. Kamlesh, actually, one problem coming. What problem? Kamlesh, actually, you is not going to the wedding. What? Why? No, me doing any mistake? No, Kamlesh, you're not doing anything. Actually, today mother falling downside and she hitting her leg and she's very much weak. So that is why going plan cancel. Okay, then okay. If you are staying here, so me also staying here. No, Kamlesh, actually me is going, but you is not going. Otherwise, you know how me wearing and where me wearing the lehenga and how me showing my so much beautiness. Oh my God, why am I not going? मुझ में कौन से काटे लगे हैं यार? Because Kamlesh, you're taking care of my mother and me trusting you because you is my best friend. Oh, Kat, oh my God, Kat, you going, you leaving me here? You know, actually this is situation, you know, very touched. Yeah, and you know what, Kamlesh, also father is also staying here. So you both taking care of mother. And if mother is meaning under your eyesight, then we can enjoy the wedding around, say, right? No, wait a minute, Kat. Your papa staying here? Then why needing to me stay here? No, Kamlesh, meaning the reading is not coming now. Then what if reading coming later side, exam say all of sudden side? Then what you doing? You staying with mother. Kat. But what? Not nothing, Kamlesh. You're listening to me. You're staying here and you're not going. You understanding? Yes. It's okay, Kat. We can do all everything just for you. Thanks, Kamlesh. Good night. Kamlesh, your suit is looking very much fine. Thank you so much. Abhi ghar jaake aur dance karke sangeet wala feel karke phaad dunga. अरे कितनों टाइम लगा रहे, ज्यादा लेट ना करो, दिक्कत हो जाएगी चाची। और तो सामान नहीं ना आपका? ना ना सब जेई है, संभाल के धर ले। नीचे ना धर, नीचे ना धर। हम का कह रहे जल्दी पहुंचो, नहीं तो फिर का रिश्तेदार बुरो मान जाती हैं। अरे का बताए हवा, बताओ हम आओ ना, मन ना मान रहो है। अरे तो मन को मनाओ, मन को काय लगाओ, मन को उठाओ और कैसे उठो। हम आओ मतलब का है अम्मा, तुम देखो घर की मुखिया हो, बड़ी हो, फिर रिश्तेदारी तो मैं को निभाने फिर गुरु लग जाएगा उन्हें। You know what, grandmother? Father is right. Meaning, what if the mountain of sadness throwing on side us, we're not, you know, facing anything because father is here. He's solving everything, handling proper side. देख, हम कितनी बार तो को कहे, तेरी जग गिटर पिटर हमें ना समझ आती है। नहीं आती, नहीं आती, करेक्ट। बोलो बेटा हिंदी में बोलो। अरे दादी मैं ये कह रही हूँ, तो क्या हुआ अगर हमारे परिवार के ऊपर ये दुखों का पहाड़ टूट गया? पापा है ना, पापा सब संभाल लेंगे। देखो कितनी बड़ी बात कह रही जब बिटिया, हमें यही से शुरू से कह, छोड़ो अबे जल्दी में है, तुम चलो अम्मा चलो, हम सब संभाल लेंगे। अच्छा अच्छा हम जा रहे हैं। हाँ। एक बात देखो, हम एक बार बहू को देख लेना, हमारा मन थोड़ो बन जाएगा। हम बहू से मिल रहे हैं। अरे तुम अरे रुको मैं भी आ रही हूँ। हम अरे बहू बेटा कैसी तबीयत है? बहुत कमजोरी लग रही है अम्मा, बहुत आराम की जरूरत है अम्मा। अरे फिर तो तय है होगा, हम ना जा रहे ब्याह में भाड़ में गऊ। दादी मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी मम्मी के पास ही रहूंगी। अरे नाना इतनी खराब ना है तबीयत, मतलब हाथी
आज थोड़ो आराम है, हम ठीक हो जाए, तुम टेंशन ना ले, थोड़ा बस रेस्ट करे है ना तो तबीयत ठीक हो जाए। हमें सब समझ आ रहा है, तू जे सब हमारे मन रखने के लाने कह रही है। नहीं अम्मा एकदम ठीक कह रही है, अगर हम लोग निकले और तुझे कुछ हो गया तो घर का काम कौन करेगा? नहीं मतलब मुश्किल हो जाएगी ना फिर। Oh my God, meaning mouse, you know what you are actually saying, right? Meaning if something happening downside, anything to mother, then what me doing? How am I living without your mother? मेरी माँ हिंदी में बोल लेना। अच्छा हिंदी में। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मम्मी को कुछ हो गया मुझे तो मैं मम्मी के बिना कैसे रहूँगी? अरे तो मम्मी को मारने पे क्यों तुली हुई है? क्या है मासी, मैं मम्मी को मार तो ना रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मम्मी की तबीयत खराब होगी तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कि हॉस्पिटल में भर्ती करो, जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगी तो घर पे कौन होगा, मेरे साथ कौन होगा? अरे तू तो रह लेगी, हम ना रह पाएंगे। बताओ बहू अगर अस्पताल में भर्ती हो गई तो इतना बड़ो घर को कौन संभालेगा? हमारा मतलब है कि हम ना जा रहे बस। पापा मुझको आपको बतानू है, तू मैंने डिसाइड कर लो है क्या कि मैं शादी में कौन सा गाना गाऊंगू? हाँ तो गई है ना जब शादी हो। अरे ना ना मैं अभी बताऊंगा आपको। हाँ तो ये हम कितना आराम और करे तो हम सही हो गए, तुम जाओ। ना ना बहू हम ना जा सकते, हमारा मन ना मान रहा है। अम्मा तुम क्या कर रही हो बताओ, तुम्हारे घर की शादी है और फिर तुम जे सोचो, तुमने जो चार कंगन बनवाए हैं मोटे मोटे कहाँ दिखाई हो, यही तो मौका है, पहनो और लोगन को जलाओ। ना ना जी तो सही कह रही है बहू, हमने बनवाए तो दिखाने के लाने, साफ करने के लाने, पर हमें अपुआ पे भरोसा ना है ना जी, रत भर काम के लायक ना। अरे नाना अम्मा देखो भाई तो काम आई है जो टाइम पे, और वो बहुत अच्छे से ख्याल रखे अम्मा, तुम जाओ, तुम देर ना करो, हम फालतू को लेट हो जाए हो। हम जो कहे तुम जल्दी जाओ और नेक की सोचो, बताओ अगर तुम कहीं लेट पहुंची और तुम्हें गंदी साड़ी पकड़ाई दी पुरानी वाली तो पहले पहुंची हो, अच्छी साड़ी चूज कर ले हो, ठीक है? हम जो कह रहे हैं अम्मा हमारे लाने में ढंग की साड़ी चूज करियो। सही कह रही है, हमारा मन तो ना मान रहा है, लेकिन सुन कौन से रंग की साड़ी लाए तेरे लाने? ब्लैक। ब्लैक वो रंग ना बदलाता है। ठीक है अपना ध्यान रखियो हाँ, और सुन सूप जरूर पी लियो है ना, सूप से बहुत ताकत आती है। हाँ। अच्छा सुन हम तुमको ये बोले बेटा, बहुत चालाक हो तुम, हम सब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो सब समझ मालूम चल गो सब मालूम। सुनो ऐसा है ना, तुम जो अकेले महान बनने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें ये सब पता है, सारा क्रेडिट अकेले लेना चाहते हो, मतलब हम भी यहाँ रुक जाते? नहीं सबको। अरे ना ना दादा ऐसी बात नहीं है, असल में हमें लगो हमारे चक्कर में यार शादी को मजा तुम सबको खराब ना हो, एक आदमी तनक ऐसी स्थिति से गुजर रहा हुए तो दूसरो आदमी एंजॉय करे ना। अरे हम किसी शादी में हम चले जाएंगे, हमें जाने का मन भी नहीं था। वो क्या है ना, वो जो फूफा जी ना चिरकुट है यार तुम्हारे एकदम फूफा जी। नहीं नहीं फूफा से दूर रहने, असल में क्या बच्चन में लौंडा लपाड़ियन में खेली हो ना, तो अम्मा को ध्यान दरियो, उनकी का उम्र हो गई, डोकरियो को नाचने को बहुत शौक है, कहूँ ठमका लगाओ फैसल गई तो कौन संभालेगो, एक बेटा इतने दूसरो बेटा अम्मा के पास, और फूफा से दूर रहियो, तुम जाओ मारो अम्मा मतलब जाओ, चांस नहीं बनना यार रुकने का हमारा। अगर तू इतने से ना गो तो हमारो चांस कैसे बनेगो दादा? क्या 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 सोच रहे हो अभी तुम? हाँ फूफा, फूफा से दूर रहने, अम्मा को ध्यान देने, बाकी कुछ नहीं, यही चिंता लग रही बस, तुम चलो। हाँ। अम्मा आ जाओ चलो, चलो। हाँ हाँ ओके बाय 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 अम्मा। अरे वही पुरानी बहू है, क्या देख रही है तेनू? रज्जू जो बताओ तुम, ससुर हमने सबर करन की लानिया का पूरी फौज अपने घर के नौन उठाइया, अम्मा दुनियादारी उनको सारो शादी में भेज दो, हम सबर कर लें, तुम यार माहौल ना बना रही है। हटो तुम ना। तो
तुम यार अब ज्यादा ऐसा नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही है तो नौ नौटंकिया हो गए। ऐसो है हाँ। ना हम नादान हिरनिया है हाँ। और ना तुम कोई बब्बर शेर हो ठीक है। ऐसू ना कहो फिर तुम, अगर जो शेर दहाड़ेगू ना कैसे जंगल की राजा एक बार दहाड़ मार दी बड़े बड़े सारी पपल जाती हैं जंगल की राजा। तो ऐसो है हाँ। हमारी जंगल की राजा हाँ। जा जंगल की जो शेरनी है ना हाँ। और रानी हम है आओ आओ। तो हम देखते कौन किनको शिकार करते हैं जो गेम में हमें बड़ा मजा आता है फिर आओ 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 शुरू हो जाओ। भागो हम पकड़ेंगे तुम्हें। देखो रज्जू हमने आगे पकड़ लो ना दीदी 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 हटो मुझे बोला है दीदी का ध्यान रखने के लिए और अब मैं आ गया हूँ तो ध्यान में अब कोई कमी नहीं रहेगी। अरे तो तुम परेशान ना हो कमलेश जी है ना अंकल तुम्हारे हमा मतलब कि तुम्हारे भैया हैं वो हमारो ख्याल रख लेते हैं फोन घुमा दिए जब कछुए सोए का बात है। ओके जाओ ना यार या श्योर श्योर एक्चुअली मी कमिंग मी बाइंग यू नो सम का है जब फैला अरे ऑरेंज व्हेन शी ईटिंग ऑरेंज ऑफ ऑरेंज कलर सी बिकमिंग हट्टी खट्टी इन जस्ट टू दिन में शांत एकदम उतर रख दू निकल लू अब ओके बाय टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ यू बाय बेटा बाय 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 बाय। रज्जू जो नमूना हमें शुरू से यही वजह से पसंद नहीं है टाइम बेटाइम सारू घुस जाते हुए घर में बिल्कुल किचन में घुसे आओ बताओ। छोड़ का अपना मूड खराब कर रही हो सुनो तुम तो हमें देखो हमें जानो हमें पहचानो तुम्हारा मूड ठीक करने कैसे टाइम पे आते हुए थे देख रहे हो कि आफत आ रही है आगे बंद करो। उड़ गई बेटा क्या काम है कैसे टाइम पे आ जाते है तू। सुनो हमारी तबीयत बहुत खराब लग रही है, है? तुम लेटो तुम लेटो गॉड ओह गॉड 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 मी जस्ट लीविंग टू मिनट ऑफ दीदी एंड दीदी बिकमिंग वेरी सैड एंड वेरी बैड एंड यू नो वेरी डेंजरस बॉडी का कह रही। अरे मैं कह रहा हूँ दीदी की तो हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। वो तो हमें भी देख रहे हो तुम का अकेला नहीं आई बताओ ना। Yes, actually me forgetting to tell you one thing. Actually me giving you some orange and previous some and before some time. Actually me eating some orange and me eating in my mouth is becoming very bad just because कीड़े निकल गए उसमें। So guys, if you eating orange of orange color, so first check कहीं कीड़े तो नहीं है। So that's why me telling you all everything. हिंदी में बोले वैसे ही चक्कर आ गए गिरना पड़े बस चक्कर खा के तेरी अंग्रेजी सुनेगी तो। अरे मैं ये कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं ऑरेंज देके गया था ना हाँ? मैंने वो खाए देखा उसमें कीड़े निकले। अच्छा तो अगर आप लोग ऑरेंज खाओ तो खाने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना। तो तू जो बतान के लाने जा टाइम पे आदम को। Yes, because cat giving this duty on my shoulder. If anything happening of Didi, you should tell me spontaneously to me.
तेरे मुंह में कीड़ा पड़े, तू हिंदी में बोल। ये जिम्मेदारी का काम कैट ने मेरे कंधों पे मुझे दिया है। अगर दीदी को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताइए, मैं भागा 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 चलाऊंगा। एंड हाँ, वो जो ऑरेंज है उनको मुझे दीजिए, चेंज करके लेके आता हूँ। अरे जो आदमी ऐसो है कमलेश, तुम्हारे भैया जो कहना चाह रहे हैं कि तुम कई परेशान हो रहे हो, ठीक है जे संभाल लिए ना, मैं तुम जाओ अपने घरे सो, हम जाओ जल्दी जाओ, तबीयत खराब हो रही है। अरे ये तो है का तो होना ना होना बेकार। एनीवे नो एनी टेंशन हैपनिंग, मैं तो आऊंगा और बार बार आऊंगा, गुड मॉर्निंग में आऊंगा, गुड आफ्टरनून में आऊंगा, गुड इवनिंग में आऊंगा, गुड नाइट टाइम पे आऊंगा, हर टाइम पे आऊंगा। दीदी इफ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू लेट मी नो, एक आवाज देना, मैं दबे पाओ उल्टे पाओ भागा भागा चलाऊंगा। ओके समझ गई, अब तू काय टेंशन दे रहे, अब तू जा, हम अस्पताल निकल रहे। अस्पताल? ओह माय गॉड व्हाई? अरे भाई चक्कर आ गया, वो दिखाने जा रहे। अरे जल्दी चलो और मैं भी चल रहा हूँ, चलो। ना ना ना, ओ दादा दादा दादा, तुम नहीं, हम ले जा रहे, हम संभाल लेंगे। वो कहावत है ना, तीन ते गाड़ी काम बिगाड़ी, तीन ते गाड़ी काम बिगाड़ी, हम काम बिगड़ जाएगा, जाकु जाते गृह नक्षत्र बैठे खराब चल रही। तुम चलो हम लेके चल रहे। ओके ओके हट। सुना हम का कह रहे हैं फिर से गाना प्ले कर लो, फिर से मॉल बन जाए।